बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद यासिन खान और आप देख रहे हैं MBS पाकिस्तान। वेलकम टू ऑल न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी अभी मेरा चैनल ज्वाइन करा है, और स्पीडली माशाल्लाह से जिस स्पीड से आप लोग चैनल को ज्वाइन करो तो अंदाज़ा हो रहा है कि शायद मेरी न्यूज़ में और मेरी बातों में वो दम है कि आपको अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो थम्स अप करते हैं, जो वीडियोज़ को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक के पेज पर आ रहे हैं। अच्छा जी, एक खबर आज फिर से टिकटॉक स्टार हरीम शाह की एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये खबर सारे ही चैनल्स दे रहे हैं, सारे ही यूट्यूबर्स बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो नोट नहीं कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको लेके आता हूँ एक और खबर की तरफ जो इससे रिलेट करती है। 2018 में कराची में एक शख्स अदनान पाशा, एग्जैक्टली ऐसा ही नाम है, अदनान पाशा ने शराय फैसल पर हवाई फायरिंग कर दी। अब उसकी नौयत कुछ भी थी, वो किसी को दिखाने के लिए करी थी XYZ, लेकिन नेक्स्ट डे पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। कि मैं न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी मेरे मोबाइल पर नज़र आ जाए, मैं ये रिसर्च भी कर रहा था, ये देखिए इनको सेकंड डे जो है अरेस्ट कर लिया गया था अदनान पाशा को, ठीक है। और ये जो है शरफ असल पे सरेआम खुले हवाई फायरिंग करते थे। हरीम शाह की यार किस लेवल पे मैं बात करूँ और क्या बात करूँ, बात करना ही बेकार लग रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। किस लेवल पे क्या मतलब, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो जो मर्जी आके करें, मिनिस्टर की सीट पे बैठ जाएं, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे जाएं, VIP प्रोटोकॉल एरिया के अंदर घूमती हुई टिकटॉक स्टार। और अब तो हद हो गई कि लाहौर की मेन रिंग रोड की शराय फैसल पे जाकर वो 12 फायर मार रही हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, और सब ये खबर चला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोट नहीं करी है, उस वीडियो को हेडफोन के जरिए सुन रही हैं जिस वक्त वो फायर कर रही हैं, बैक साइड पर अजान की आवाज़ आ रही है। अजान की आवाज़ बहुत क्लियरली आ रही है। आप हरीम शाह और फायरिंग के चक्कर में लोगों ने वो बात सुनी नहीं है, अगर आप उस वीडियो को गौर करें तो बैक साइड पे अजान की आवाज़ आ रही है। अब या तो वो अजान की आवाज़ है या कोई तिलावत हो रही है, क्योंकि आवाज़ उसी तरह की है अगर आप गौर करें। लेकिन मुझे जो लगा और जो मेरी थिंकिंग है वो अजान की आवाज़ है। आइदर इज़ अ टाइम ऑफ फजर, क्योंकि उसी टाइम रिंग रोड एम्प्टी होता है जो इन्होंने फायरिंग करी है, उसके अलावा कर नहीं सकती। वो फजर के टाइम थे या फिर वो इशा या मगरिब का टाइम है, क्योंकि अंधेरा है और कोई टाइम नहीं, और पीछे से अजान की आवाज़ है। अगर उसको हेडफोन, एक्चुअली मेरा ये इत्तेफाक कैसे हुआ, मेरा सेल फोन जो है वो किसी वजह से बच्चे ने तोड़ दिया है, तो इसका जो है ना मुझे ऐसे करके सुनना पड़ता है। तो जब वो मैं वीडियो को सुन रहा था और मैंने ऐसे करके एक दफ़ा सुना, दो दफ़ा सुना, फिर मैंने वाइफ को कहा यार कन्फर्म करो ये फायरिंग के साथ आवाज़ कैसी है। तो जब उसने कन्फर्म किया और मैंने गौर किया तो पीछे से अजान, यार मतलब मौलवी भी अब कहाँ चले गए, कोई फतवा नहीं है कि अजान के टाइम जब हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो जवान की बच्ची भी 12 फायर मार रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब जो इस तरह से खड़ी होकर ये सरासर इस वक्त गवर्नमेंट को जो है ना उसके खिलाफ है, और ये गवर्नमेंट कानून के जो बंदी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर चली जाके बैठ गई है, और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठने के बाद वो जो है वो कुछ भी कर सकती है, हवाई फायरिंग कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। असला किसका था, कौन बंदा खड़ा था जिसकी आवाज़ आ रही है, किसने उसको असला प्रोवाइड किया सिर्फ इस तरह से वायरल होने के लिए। तो काइंडली मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इसका कुछ करो, वरना इसको खबरों से आउट कर दो। कोई फ़ायदा नहीं है, जो मर्ज़ी करती फिर इसके खिलाफ कुछ होना ही नहीं है, तो क्यों आप अपना टाइम और अपनी चीज़ें को बर्बाद करें। मतलब टू मच हो गया ये, अब कुछ होना ही नहीं है। एक आम बंदा फायरिंग करता है, अगले दिन से उठा लिया जाता है, ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कराची के शराय फैसल पर। इसके साथ अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये सरासर आप समझ लेंगे कि किस लेवल पे काम किया जा रहा है। और मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये वाकई दूसरी कंदील बलोच बनने जा रही है, और ऐसा होगा जब मेरी बातें आपको सही लगेंगी, कि जब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वो भी खामोशी के साथ हर चीज़ एंड हो जाएगी। एनीवे, जिस किसी को भी वो वीडियो फायरिंग की देखने की, वैसे आप सब देख चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे पोस्ट नहीं करूँगा ड्यू टू सम रीजंस ऑफ यूट्यूब। आप उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख चुके हैं, और उसको फिर हेडफोन लगा के बगौर सुनिएगा और मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि आपको अजान की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हरीम शाह, जो मर्जी करती फिर हो यार, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, थम्स अप, अच्छी बात है, क्योंकि कानून जो है वो आपकी जेब में आप लेके घूमती हो, जहाँ मर्जी जाओ कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब खामोशी, ठंड प्रोग्राम, चिल प्रोग्राम चल रहा है, मेरे जैसे तमाम लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, अपने अपने बच्चों का और सबका बहुत ख्याल रखिए, और इसी तरह से यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ देखते रहे। एक थम्स अप दे देना, क्योंकि थम्स अप तो बनता है। बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।